हेलो दोस्तों, सिलाई मशीन डबल टू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको जो नए बच्चे हैं, जो नई माताएं बहनाएं हैं और वो मशीन मार्केट से ख़रीद के लाए हैं और वो फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार घर में मशीन लेके आए हैं, उनको चलाना नहीं आता मशीन, तो उनको आज मशीन में धागा डाल के और घर पर कैसे सिलाई करनी है वो बताएंगे। फर्स्ट टाइम मशीन कैसे चलाना है, कैसे उसमें धागा डालना है और कैसे उसकी डब्बी लगानी है, ये सारा प्रोसेस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, जो नई माताएं बहनाएं मशीन चलाती हैं, जो पहली बार मशीन लेके आई हैं घर में, उनसे मशीन में ना तो धागा डालना आता है और ना ही उनको चलाना आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों यही बताया गया है कि मशीन में धागा कैसे लगाना है, धागा कैसे डालना है और कैसे कपड़े को लगाना है, बूट किस प्रकार उठा के कपड़ा फंसा के हमें सिलाना है और कैसे हम कपड़े को सिलते हैं, ये इस वीडियो में प्रॉपर बताया गया है। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हम आपके लिए सिलाई मशीन से रिलेटेड एक नई टिप्स लाते रहते हैं। दोस्तों, हमने आपके सम्मुख ये मशीन रख दी है, आपके सामने मशीन रख दिया है और इस मशीन में हम जो माता बहना फर्स्ट टाइम मशीन चलाती हैं उनको सारा प्रोसेस धागा लगाकर और सिलाई कैसे करनी है वो बताएंगे। ये देखिए मशीन इस प्रकार, सबसे फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा मशीन का हत्ता होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार हमें ये मशीन घुमानी है, हमेशा इधर की राउंडों में मशीन घुमाते हैं, ऐसे घुमाओगे तो उल्टा होता है, इस प्रकार हमें मशीन घुमाना है और इस प्रकार हमें मशीन चलाना है और ऐसे ही मशीन चलाया जाता है। हमें सबसे पहले इसमें जो इसकी ये जो फिरकी आती है कंपनी से ये वाली, इसमें धागा कैसे भरना है ये सिखाएंगे पहले और फिर इसको लगाना बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इस रील को इसमें लगा लेंगे और लगाने के बाद इस प्रकार धागा लेंगे और धागे को ऐसे पकड़ के इस पर ऐसे और दो चार राउंड ऐसे करके हाथ से इसको लपेटेंगे। पहले जब आप खींच के देखोगे तो स्लिप नहीं होना चाहिए, इस प्रकार ऐसे करके। अब देखो हमें लगाने का तरीका, इसमें ये जो पिन होती है इस पर, ये जो पिन है, ये पिन हमारे इस फिरकी का ये जो खांचा है कटा हुआ, इसमें फंसना चाहिए, तब ये हमारा ऐसे रुकेगा, नहीं तो फिर ही रहता है। ऐसे करके इसको ऊपर कर देंगे ऐसे और इसमें इस प्रकार लगेगा ये। अब फ्रेंड्स देखो, इतना धागा लपेटा है कि ये वापस खिंच नहीं रहा है, तो ये खिंचना नहीं चाहिए और ये धागा ऊपर की साइड में होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे करके घूमेगा ऐसे करके, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब इसको हमें इस प्रकार नीचे को दाब दे देना है ऐसे, और दाब देने के बाद ये जो नट होता है इसको हमें थोड़ा टाइट कर देना है ऐसे करके। जिसको टाइट करेंगे तो ये हमारा जब चक्का घूमेगा इसका, तो इसके साथ देखो इस प्रकार घूमेगा ये ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके। अगर ये तुम्हारा स्लिप होता है दोस्तों तो इसको थोड़ा हाथ से ऐसे दबा लेंगे तब घुमाएंगे इसको, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार ऐसे करके, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए रील भी घूम रहा है, ये देखिए, ये देखिए इसमें से इसमें धागा आ रहा है। और ऐसे उंगली से दाब लगा देंगे हल्का और बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों ये धागा भरा जा रहा है, ये देखिए आपके सामने कितना धागा भर गया है। इस प्रकार हमें धागा भी भरना है और अपनी मशीन को चलाना भी है, ये देखिए अब हमारा धागा भर गया है। अब इसको हम ऐसे करके ऊपर कर देंगे, इसको दबाने से फ्रेंड्स, इसको दबाने से दोस्तों ये ऊपर आ जाता है और इसी प्रकार इसको हम बाहर इस प्रकार खींच लेंगे, ये देखिए हमारा धागा भर गया। अब धागा भरने के बाद हमें ये वाली जो फिरकी है इसको हम अपनी मशीन में लगाएंगे, जो डब्बी होती है मशीन की, ये वाली डब्बी होती है दोस्तों, ये वाली, ये मशीन की डब्बी होती है और इस डब्बी में दोस्तों इसको लगाएंगे। इस धागे को कैसे लगाएंगे ये देखिए, हमें क्या करना है, इस प्रकार डब्बी पकड़ लेनी है और डब्बी में ऐसे करके इसको रख देंगे। ऐसे रखने के बाद दोस्तों इसमें एक कट होता है, ये देखिए ये रहा, आपको दिख रहा होगा ये वाला कट होता है,
इसमें हम इस प्रकार धागा लेंगे और इसको ऐसे उंगली से दाब लेंगे, ये घूमने इस प्रकार ये घूमे ना, और धागे को ऐसे थोड़ा सा ताकत से खींच के इस प्रकार ऐसे बीच में ले आएंगे। अब ये देखिए, अब खींचोगे तो ये देखो घूम रहा है, और इस प्रकार ऐसे बीच में लाने के बाद इसको धागे को हमें इतना बड़ा तोड़ना है, यहाँ से इतना बड़ा, ये देखिए तोड़ दिया। इतना बड़ा तोड़ने पर दोस्तों हमारी मशीन नीचे से इस धागे को ऊपर ले आएगी। तो अब इस ये कंप्लीट हो गया है, अब इसको मशीन में हमें लगाना भी है। ये देखिए अब लगाना बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी मशीन का शटल है, या तो इस शटल को इधर कर लो चाहे इधर कर लो, दोनों में से किधर भी कर सकते हैं इसको। अब ये हमारी डब्बी आ गई, इस डब्बी के धागे को हमें इस प्रकार पीछे ले लेना है, यहाँ पर ऐसे करके इस प्रकार हमें पीछे ले लेंगे, इस प्रकार यहाँ पर ऐसे पीछे लेने के बाद इसको हमें इस प्रकार इसमें रखना है ऐसे करके। ये देखिए अभी ये हमारी डब्बी, ये देखो घूम रही है, अभी लॉक नहीं है, इस पर थोड़ा सा ये जो इसका डंडा है इस खांचे में आना चाहिए, इसके सामने ऐसे डंडे को गड्ढे के सामने करके दाब देना है हमें, और दाब ही देना अपने आप लग जाएगा। ये देखिए, ये देखिए उसमें अब ये ऐसे घूमेगा नहीं, और धागा मारा ये लटक गया, ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसको मशीन को सीधा करके और ऊपर का धागा डालना है। सबसे पहले ऐसी रील को हम इस प्रकार इसमें खड़ा कर लेंगे, ये ऊपर का धागा डल रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसमें खड़ा करने के बाद हमारा ये दूसरी बार में धागा देखो इधर साइड में जाएगा, यहाँ पर यहाँ से ये हमने धागा ले लिया है, ये ना, और ये देखिए इसमें डालेंगे सबसे पहले यहाँ पर, चाहे पीछे डाल सकते हो चाहे इधर डाल सकते हो, हम सामने से बता रहे हैं क्योंकि सामने से अच्छा रहेगा डालना। यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों इस प्रकार, और इस प्रकार हमें इसमें डालने के बाद इस स्प्रिंग में डालना है ऐसे, ये जो दोनों थालियाँ हैं इनके बीचों बीच धागा आना चाहिए दोस्तों। ये देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ से डल गया, और ये धागा हमारा इनके बीचों बीच यहाँ आना चाहिए ऐसे करके, और देखो इस प्रकार यहाँ बीच में निकलना चाहिए ऐसे। ये देखिए बिल्कुल ही अच्छे से हमारा धागा इसमें निकल आया है, और निकलने के बाद दोस्तों इस धागे को हमें ये जो लबलबी दिख रही है आपको इसमें डालना है, ये देखिए ये जो लबलबी दिख रही है इसमें डालना है, और डालना है हमें इससे पीछे की साइड से ऐसे करके, ऐसे करके आपको बिल्कुल अच्छे से साफ से दिख रहा है। इस प्रकार हमें ये धागा ऐसे करके डालना है और निकालना है, ये देखिए इसमें डल गया हूँ, और इसमें डालने के बाद दोस्तों सीधा हमें सुई में डालना है। बहुत से लोग इसमें डालते फिरते हैं, लेकिन इसमें मत डालना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब डायरेक्ट हमें मशीन की सुई में धागा डालना है। इस प्रकार दोस्तों ऊपर से डालने के बाद हमें मशीन के इस होल में डालना है सुई में धागा। ये देखिए बिल्कुल मशीन की सुई में धागा डल चुका है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। अब ये देखिए हमारी सुई इस धागे को लेकर नीचे जाएगी, और नीचे का धागा ये ऊपर ले आएगी, ये देखिए ये आ गया। अब हमारी मशीन यहाँ पर धागा डल के कंप्लीट हो चुकी है, दोनों धागे आ गए नीचे का और ऊपर का। इस प्रकार इनको ऐसे पीछे कर देते हैं। अब दोस्तों हमें इसमें कपड़ा लगाना है, तो हमारा ये बूट ये देखिए ऊपर नीचे ऐसे करके होता है, तो हमारी मशीन के ये पिछले हिस्से पर ये देखिए बूट का पैर होता है हमारा चलाने का, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये रहा ये वाला हैंडल होता है, और ये वाला ऊपर उठाओगे तो ये देखिए ऊपर उठता है और नीचे होता है, इसी के कारण हमारी मशीन ये देखिए ऊपर नीचे उठाया जाता है ये, और इसी के कारण ही हमारी मशीन चल पाती है। इस बूट को ऊपर नीचे करते हैं तो वो इसी के ही कारण हो पाता है, इसी के कारण। अब हमें क्या करना है, ये इस प्रकार ऊपर करना है, और इस कपड़े को ऐसे लगाना है ऐसे करके, कपड़ा लग गया। अब हमें दो चार राउंड ऐसे करके ये पहिया हाथ से घुमाना है, ये देखिए दोस्तों ये देखिए ये पहिया है ना, ये वाला पहिया ऐसे करके दो चार टांगे ऐसे हाथ से लगाने हैं, पहले हमें इस प्रकार हाथ से घुमाना है, और हाथ से घुमाते घुमाते इस प्रकार ऐसे हैंडल पकड़ना है, तब हमें ऐसे चलानी है। और इधर देखिए अब आप हमारी सिलाई देखिए, इस प्रकार
हमें ऐसे करके करना है और हमें इस प्रकार ये सिलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, कोई भी दिक्कत लगे कमेंट में पूछ सकते हो। हमारी वीडियो सोमवार बुधवार शनिवार तीन दिन डाली जाती है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइम मशीन चलाना सीखें इसी के ऊपर ये वीडियो बनाई है। ये देखिए इस प्रकार हमारी मशीन सिलाई दे रही है। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा टांगा है। ये देखिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।